हाय एवरीवन, मैं हृतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ना, वो फीमेल साइज के बारे में है। फीमेल साइज, फीमेल का कौन सा साइज? वजाइनल वल के इंटरनल स्पेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि औरतों की जो वजाइनल वल की स्पेस होती है, इंटरनल स्पेस होती है, जो गहराई होती है, वो कितनी होती है, कितना अंदर तक ले पाती है औरतें, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो जो है वो किसी को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ मिथ्स को क्लियर करने के लिए है। काफ़ी सारे लोग अपने साइज को लेके, अपने मोटाई लंबाई ये सब चीज़ों को लेके ऑब्सेस्ड रहते हैं, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी मददगार होने वाली है। क्योंकि अगर आपको पता लग जाएगा कि आपके फीमेल पार्टनर की लेने की ताकत कितनी है, कितना अंदर तक वो ले सकती है, तो शायद आपकी ये जो कन्फ्यूजन है या फिर काफ़ी हद तक आपकी जो ऑब्सेशन है आपके साइज को लेके, वो ख़त्म हो जाएगी, शायद हो जाएगी, और काफ़ी हद तक आपकी कुछ डाउट्स भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, मेल पार्टनर का जब इरेक्शन होता है तो जैसे उनकी जो छोटी सी साइज़ है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक वैसे ही जब फीमेल पार्टनर सेक्स के लिए प्रिपेयर होती है तो उनकी भी साइज़, जो डेप्थ होती है, वजाइनल डेप्थ होती है, वो भी इंक्रीज होती है। नेचुरली जब फीमेल पार्टनर अराउज नहीं होते तो उनकी वजाइनल डेप्थ है वो 3.5 इंच से लेकर 4.5 इंच तक हो सकती है, गहराई की बात कर रही हूँ मैक्सिमम। बट जब फीमेल पार्टनर प्रिपेयर होती है सेक्सुअली, जब वो राउज होती है, तो उनकी जो वजाइनल डेप्थ है वो एक्सपेंड होती है, यानी कि जो सर्विक्स एरिया है वो एक्सपेंड होता है और वो साइज में थोड़ा बहुत बढ़ता है, बट ये नहीं है कि वो डबल हो जाता है, वो थोड़ा बहुत एक्सपेंड होता है, यानी कि 3.5 इंच से लेकर 4.5 इंच तक जो साइज था नॉर्मल टाइम पे, वो 5.5 इंच से लेके 6.5 इंच तक हो सकता है मैक्सिमम। और इसीलिए बता रही हूँ दोस्तों कि अगर किसी पुरुष का साइज 8 इंच होना, तो वो प्रॉपर पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता, वो अपने पूरे के पूरे साइज को अंदर डाल ही नहीं पाता। इस केस में काफ़ी सारी पुरुषों को दिक्कत होती है, काफ़ी सारी महिलाओं को इससे दर्द महसूस होता है। और ये जो वजाइनल डेप्थ है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी कि उनकी हाइट कैसी है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, इन सारी चीज़ों पर भी जो वजाइनल डेप्थ है वो डिपेंड करती है। यानी कि अगर किसी फीमेल का हाइट बहुत लंबा है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो वजाइनल डेप्थ है वो भी काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, कंपैरेटिवली कि जिन फीमेल्स का हाइट काफ़ी शॉर्ट है उनकी वजाइनल डेप्थ छोटी हो सकती है, कम हो सकती है, बट नेचुरली एक्सपेंड होने के बाद वो कम से कम 5 इंच के आसपास तो जाती ही है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मुसली, अकरकरा, शतावरी, कंच बीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मुसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसीलिए अगर किसी पुरुष का एवरेज साइज 4 इंच से लेके 6 इंच के बीच में है ना, जो एक्सपर्ट्स होते बताते हैं कि वही आइडियल होता है, क्योंकि इस केस में प्रॉपर पेनिट्रेट करना पॉसिबल होता है, अपना मेल पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से अंदर डाल पाता है, फीमेल पार्टनर भी प्रॉपर पेनिट्रेशन के लिए रेडी होती है, और दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बढ़ती है, ना तो कोई पेन का झंझट होता है, ना पेनिट्रेशन प्रोसेस में कोई रुकावट होती है, और दोनों को कोई चीज़ में डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। क्योंकि वजाइनल डेप्थ जो होती है ना, उसके बाहर जाके अगर आप कुछ परफॉर्म करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली उससे फीमेल पार्टनर को दिक्कतें हो सकती है। हाँ, कुछ कुछ केस में ये जो वजाइनल डेप्थ है वो इफेक्ट होती है, जैसे कि फीमेल लिबिडो के ऊपर, उसके अलावा चाइल्ड बर्थ के ऊपर, और इसके अलावा एजिंग प्रोसेस में, यानी कि जिन फीमेल का कम उम्र है, यानी कि वो जो एडल्ट एज में है,
जिनकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी ज़्यादा है, सेक्स हार्मोन ज़्यादा है, जिनकी लिबिडो ज़्यादा है, उनके केस में ये एक्सपैंड भी काफ़ी अच्छी तरीके से होता है क्योंकि उनकी बॉडी प्रॉपर प्रिपेयर होती है सेक्स के लिए, तो एक्सपैंड भी 100% होता है। जिन फीमेल्स की बॉडी में लिबिडो कम है उस केस में उनकी सेक्सुअल डिज़ायर ही उस तरीके से नहीं बनती, तो वजाइनल डेप्थ जो है वो प्रॉपर एक्सपेंड नहीं होता। एजिंग के ऊपर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, मेनोपॉज के बाद भी ये इफेक्ट होता है, चाइल्ड बर्थ के बाद भी ये इफेक्ट होता है, किसी किसी केस में ये इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, तो इलास्टिसिटी में अगर इफेक्ट होता है तो उस केस में भी ये जो एक्सपेंड होने वाली बात है इस पर इफेक्ट होता है। अदरवाइज जो अडल्ट एज में होते हैं औरतें, यानी कि नॉर्मल टीनेज एज से लेकर स्टार्ट करके 35-40 के बीच में भी ये फीमेल के लिए काफ़ी ईजी है कि वो सेक्सुअली प्रॉपरली प्रिपेयर होते हैं, अराउज होते हैं और उनका 100% एक्सपेंड होता है, और ये काफ़ी हद तक इंटरेस्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और हाँ मेनोपॉज पे यानी कि एजिंग पे भी डिपेंड करती है। वंस अगेन फीमेल पार्टनर की जो वजाइनल डेप्थ है वो बिना अराउजल के 3.5 इंच से लेकर 4.5 इंच के बीच होती है, आफ्टर अराउजल वो 4.5 से 6.5 इंच के बीच में होती है, और जो मेल पार्टनर का साइज है वो नॉर्मल इरेक्शन के बाद आइडियली जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वो 4.5 इंच 5 इंच 6 इंच के बीच हो तो वो आइडियल होता है। तो ये कितना बढ़िया कंपैटिबिलिटी की बात हुई ना कि दोनों ही आइडियल केस में सेम टू सेम सिचुएशन पे रहते हैं। तो इसीलिए अगर इसके मामले में आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है, मिथ्स हैं, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है तो हटा दो, जो भी आपका साइज़ है खुश रहो भाई, बढ़िया परफॉर्म करो, जो भी साइज़ है उसको 100% इरेक्शन के साथ पेनिट्रेट करने की कोशिश करो और आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो 100% सेटिस्फाइड हो ही जाती है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना बोले, 80% से भी ज़्यादा लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। Thank you. Bye-bye.